आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन विद यू ऑल व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इट इज सीडी क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आर। तो मतलब जो यहाँ पे डी ऑर्बिटल यूज किया गया है उसमें डी ऑर्बिटल क्योंकि हम लोगों ने पढ़े हैं ना डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। टोटल डी ऑर्बिटल्स होते हैं लगभग टोटल 5 होते हैं। 5 होते हैं कैसे? एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dz स्क्वायर, एक होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक, इनमें इस वाले में कौन सा यूज किया जाता है? तो ये वाला याद कर लीजिए आप। इन दोनों में, इसमें जो दोनों डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है sp3d3 वाला। तो इसमें कैसे कौन से यूज़ किए जाएंगे? इसमें गलती से भी कभी ये ना करिएगा कि हमेशा डी जेड स्क्वायर आता ही आता है या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नहीं होता है। यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसको याद कर लीजिएगा। समझ भी गए होंगे वैसे, आसान है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।